लगातार इन आंसू गैस के गोलों को डिफ्यूज किसान कर रहे हैं गिल्ली बोरियों से। हालांकि अभी भी धुआं बहुत सारे किसानों के जा रहा है और वो पंखा आप देखिए, वो पंखा चलाया जा रहा है ताकि जो आंसू गैस का धुआं है उसको उड़ाया जा सके। देखिए ये आप देखिए बैरिकेड खींचने के लिए इस ट्रैक्टर को लेके जाया जा रहा है और इसके पीछे इन्होंने जो टीन होती है टीन शेड उसको करके इसको लगा रखा है। आप देखिए लगातार डिफ्यूज किया, क्योंकि किसान लगातार उसको डिफ्यूज करते जा रहे हैं। ये गिली बोरियां डाल दे रहे हैं और ये पानी की फुहार है ये चला रहे हैं और एक बड़ा पंखा जो ट्रैक्टरों के पीछे तूड़ी छानने वाला जो पंखा होता है वो चला रखा है। देखिए तो लाख लाख तालियां मेरी सरकार दे। ये देखिए ये देखिए ये आंसू गैस का गोला आया और इसको डिफ्यूज तुरंत ठीक कर दिया गया। कोलगेट लाओ, कोलगेट लाओ मुझे। आप चले गिरते पहली मैं पूछ के दिखा कर ये अभी हम शंभू बॉर्डर पर हैं और मेरे आंख में आप ये चश्मा देख रहे हैं और ये मास्क देख रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ने मुझे चश्मा दिया। आप ये चश्मे बांट रहे हैं किस लिए बांट रहे हैं? असी कल देखिया सीगा कि जेड़े लोग फ्रंट दे उत्ते जेड़ा काम कर रहे ने जेड़े उत्ते लड़ रहे ने और जेड़े मीडिया वाले उत्ते जाके अगे सामना कर रहे हैं जेड़े वो बंब गोलाबारी जेड़ी वो सुट रहे हैं उदे विच बहुत ज्यादा कैमिकल है जेड़ा कि अखां नूं नुकसान कर रहा है स्किन नूं नुकसान कर रहा है उदे चलदे असी जेड़े है वो शील्डां चश्मे ते मास्क लेके आए हैं ताकि सारे बंदे सेफ रह सकन जिन्ना कि साडे वल्लों हो सकदा। जी हम भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है मीडिया वाले और कल पूरा दिन आंखों में धुआं गया है और मुंह में वो जो धुआं गया है इससे बहुत ऐसे बहुत परेशानी हो रही थी। अब इससे थोड़ी राहत शायद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। किसानों ने अभी कुछ टाइम के लिए बैरिकेड तोड़ने का होल्ड कर दिया है और यहीं पर ठहरेंगे क्योंकि किसान नेता सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गए हैं। एक तरफ सरकार के साथ बातचीत चल रही है किसान नेताओं की चंडीगढ़ में अभी पहुंचे हैं वो और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो आंसू गैस की गोलेबारी है वो भी लगातार जारी है। जब किसान नेता यहाँ से जा रहे थे तब उस समय आंसू गैस के गोले छोड़ने बंद कर दिए थे और बात भी यही थी कि हम बात करने तभी जाएंगे जब आप ये गोलाबारी आंसू गैस की ये बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ से वो रवाना हुए हैं तुरंत आंसू गैस की गोलेबारी शुरू हो गई है। और किसान नेता ये अनाउंस करके गए हैं कि आज एक बार वो बैठक के लिए चले जाएं तो इस एक बार बैठक हो जाए सरकार के साथ, उसके बाद वो आगे दिल्ली जाएंगे। इसलिए कुछ टाइम के लिए जब तक किसान नेताओं की सरकार के साथ बैठक होगी तब तक दिल्ली जाना एक हिसाब से जो किसान नेता हैं उन्होंने अपने कार्डर को यही कहा है कि आप तब तक हम शंभू बॉर्डर पर ही रुकेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।